नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। दिन पर दिन सरपंच, मुखिया, वार्ड मेंबर और तमाम तो पंचायती सरकार का चुनाव है 2021 का, समय नजदीक आते जा रहा है और दरभंगा समाचार की टीम तेजी से तमाम पंचायतों का कवर कर रहा है कि बुनियादी 5 साल में वर्तमान मुखिया, जिला पार्षद और तमाम लोगों ने पंचायत का कितना विकास किया है और किन किन क्षेत्रों में विकास किया, किन किन क्षेत्रों में रुक गया। और साथ में हम ये भी जानना चाहते हैं कि जो प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं, चाहे वो मुखिया का हो या अन्य इस पंचायती सरकारी चुनाव में जो भी खड़े हो रहे, किन कारणों से खड़े हैं। आज इसी सफर में हम लोआम पंचायत में पहुंचे, वार्ड नंबर 13 में। यहाँ मौजूद है एक समाज सेवी भी है, व्यवसाय भी अपना निजी करते हैं, नाम है मोहम्मद मोहिद्दीन। ये 2016 में भी लड़े थे मुखिया का चुनाव, हार गए थे, लेकिन फिर भी समाज में कहते ना, हारने वालों की ही जीत होती है, अपना एक पैर, एक दबदबा काबिल किया। आइए तो बात करते हैं, फिर इस बार वो चुनाव लड़ रहे हैं 2021 का चुनाव, मोहम्मद मोहिद्दीन साहब से, और उनसे बात करेंगे उन मुद्दों पे और बैठ करके इसी उनका जो कार्यस्थल है, ये पोल्ट्री फार्म है इनका, यहीं पर बैठ करके चुनाव लड़ने का। सर, हमारा मकसद ये है, सबसे पहले तो इस पंचायत के जितने भी हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, छोटे हैं, माँ हैं, बहनों हैं, सभी आदमी को, मुसलमान भाई को सलाम करते हैं और हिंदू भाई को जो है नमस्कार, आदाब, प्रणाम करते हैं। सोच हमारी ये बनी कि जब हम यहाँ आए गांव में तो लोगों के बीच में हमारा उठना बैठना पहले ही से था, तो हम RJD से जुड़े, फातिमी जी के साथ लवाम पंचायत के अध्यक्ष बने MP से, तो उसमें लोगों के बीच में हम गए, जहाँ तक हुआ हमने उनके लिए संघर्ष किया, अच्छा उनका जो है से बोध हुआ, पर वो हार गए, उनकी नसीब नहीं थी। बहर के हम RJD से तल्लुकात आज भी रख रहे हैं, और चुनाव का जब समय आया तो मैं कुछ गांव में देखा कि भाई जो गरीबों का हक है, जिसके लिए जिसका जो जिसको मरैया है, मकान की ज़रूरत है, जिसको हमाम की ज़रूरत है, जिसको खाने की ज़रूरत है, जिसको पन्नी पलोथिन की ज़रूरत है, जो मरैया में सही से रहने के लायक नहीं है, उन लोगों को जो है नहीं मिल पाता था। यानी आप कह रहे हैं कि आपके पंचायत में जो वर्तमान मुखिया हैं, उन्होंने उन लोगों को नज़रअंदाज किया जिनको आवास की, यानी पन्नी की, हर चीज़, भोजन की, रोटी की ज़रूरत थी। जी जी जी, तो उन लोगों को तो इस मिशन पे जो है हमारा एक जेहन बना, तो हमने इलेक्शन की तरफ प्रयोग किए, लोगों से मिले, बातचीत रखे हम अपनी, उस उम्मीद पर फिर हमने इलेक्शन फाइट किए लोगों के विचार से, अपने तरफ से पूरा संघर्ष किए, लोगों से मिले, बहुत अच्छा, बड़ा बनिया लोग सम्मान दिए हमको, और हार जीत का खेला है, जनता जिसको सम्मान दिया उसको बैठाएं। आपने इससे पूर्व में जो चुनाव लड़ा उसमें आपको जीत नहीं मिली, नहीं मिली, जीत के एकदम मुकाम तक आप गए थे, गए थे। इस बार भी आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं। आपको अपने पंचायत में ऐसा क्या दिखा जो 5 वर्ष में वो कार्य पूरा नहीं हो पाए, चाहे वो स्वास्थ्य पे हो या सड़क नाली पे हो, इस पे थोड़ा सा खुल के बताएं। जी सर, बहुत सारी चीज़ की कमी है ही है सर। अभी ये पंचायत भी जो है, 5 साल मैंने अपनी ग्राम पंचायत में रह के लोगों से मिल के, और हमने देखा कि इस पंचायत का इस 5 साल में क्या कार्यकर्ता हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को, जनता खुद बेहतर जानती है इस चीज़ को। किन किन क्षेत्रों में आपको ऐसा लगा कि 5 साल में वर्तमान मुखिया सितारी जी ने इस पंचायत का विकास नहीं किया? सर, हम तो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, ऐसे तो सर आप लोग आए इस काबिल हमको समझें, और आप तक हम पहुँचे, आप हमारे तक पहुँचे, और इस बात को लोगों के बीच में पहुँचाने की जो है हमको आप सहायता किए, हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से कि चलो लोगों तक बात जाएगी, कि लोगों को समझ में आएगा। तो ये 13 नंबर वार्ड जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, आप तो हर वार्ड से वाकिफ ही हैं, हर चीज़ आप हमसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपका हर जगह जाना आना है। बाकी जो क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसमें, उस क्षेत्र में कोई ऐसा विकास का काम नहीं हुआ। 13 नंबर वार्ड हुआ, इधर कोई 12 नंबर वार्ड होता है, 14 नंबर वार्ड हुआ, 13 के सामने 14 नंबर वार्ड हुआ, इनमें 5 नंबर में हम, तो 5 नंबर में तो सर ये
था विधायक जी का कोटा ढलाई का, खैर मुखिया जी आप किस फंड से बनाएं ये चीज़ की हम तो कहें कि जनता जो चाहते हैं तो उस बीच में हम किसी के इंटरफीर नहीं करते हैं, जहाँ पे जो चीज़ ऐसा देखा कि जिसको हक मिलना चाहिए नहीं मिलता उसी में हम इंटरफीर करते हैं। अभी भी हम जिस मार्ग से आए हैं उस सड़क की स्थिति एकदम दयनीय है जी, ऐसा क्यों बना हुआ है, इस पे मुखिया जी ने कभी संज्ञान नहीं लिया? नहीं सर, इस पद परिधि में तो कोई संज्ञान अगर लेते तो अब तक हुआ रहता। आपके ठीक हमारे और आपके ठीक पीछे स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है जो कि एक 10 बेड के हॉस्पिटल में तब्दील है जी, जिसकी योजना 6 करोड़ के आसपास की लागत में थी। इसका उद्घाटन होने के बाद भी इसकी स्थिति दयनीय है, ऐसा क्यों है और इस पर क्या गाँव के लोग या मुखिया सरपंच ने क्या क्यों नहीं संज्ञान लिया? सर सबसे पहले तो हम ये गांव मोहल्ले या गांव के जो है लोग तो प्रयास किए हैं लेकिन शायद हमारी पंचायत में कमी है जिसके कारण ये चीज़ नहीं हो पा रहा है। अगर पंचायत चाहते और मिजाज बनाते तो हमारे ख्याल से हम अगर पंचायत सही चलाएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है इसको चालू करना। यानी पंचायत यानी आप कह रहे हैं कि वर्तमान मुखिया जी उन्होंने नहीं चाहा लगन से जो जी, ये आवाम जनता देख रहा है इस चीज़ को सब समझ रहा है क्योंकि कितना आदमी कंप्लेन किया है, कहा कि भाई हॉस्पिटल बना हुआ नहीं चालू हो रहा है, हम लोग को बहुत सारी मुसीबत है, रात बिहार में औरत लोग रहती है, डिलीवरी का मामला होता है, बहुत शिद्दत हो जाता है, रोड भी सही नहीं है सर। हमारे विधायक जी इलेक्शन से पहले माल उल गिराएँ और बोले कि हम रोड जो है बनवा रहे हैं, लागे शुरू कर दिए हैं और उसके बाद इलेक्शन का समय आ गया, बोले अब इलेक्शन के बाद जो है रोड बन जाएगा फौरन। अब तक तो सर कोई काम शुरू नहीं हुआ है, हम प्रयास में लगे हुए हैं नली जी से मिलने के लिए, एक बार गए थे घर पे तो हम लोग वापस आ गए, नहीं थे वो दिल्ली गए हुए थे। अब हम आते हैं सर आवास पर जिसको पहले नहीं सर, तो ये हॉस्पिटल के बारे में हम भी जो है बहुत सारी कोशिशें की हैं कि ताकि जो है मोहल्ले में ये सुविधा की बहुत ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पर इर्द गिर्द में कोई हॉस्पिटल नहीं है कि जिससे जो है जनता को राहत मिल सके। और हमारे ललित जी से भी जो है ये प्रयास है कि जनता हमेशा जी, ललित जी से ये प्रयास है हमारी कि जनता हमेशा आपको सम्मान दिया है और जात पात कहीं नहीं देखा है, क्योंकि हमेशा मुस्लिम बेल्ट भी इस एरिया का आपके हिंदू मुस्लिम सब भाई आपके साथ मिल के एफपी भी वोट किया है और बहुत अच्छा वोट किया है आपको। तो इस चीज़ को देखते हुए ललित जी से हमारी प्रयास है कि कम इस रोड को काम को चालू कर दे और हॉस्पिटल का जो ऐसे जो सिस्टम है उसको उपलब्ध कर दे, और हम ललित जी से यही प्रयास कर रहे हैं, जनता उनका था और हमेशा रहेगा, जो खुशी उनको हमेशा मिली है मिलता रहेगा। मोहिद्दीन साहब एक चीज़ और बताइए, कई सालों से आप यहाँ पर हैं, वर्तमान मुखिया 2016 के चुनाव जीतने के बाद अब तक क्या आपको लगा कि कहाँ पे कितने लोग अभी तक तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है? नहीं सर ऐसा तो मतलब हमको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तकरीबन कितने घरों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना मिला होगा आपके वार्ड 13 में बताइए? वार्ड 13 में, 13 में सर हमारे ख्याल से ऐसे कुछ लोग हैं जिन लोगों को मिला है, जिनको ज़रूरत है उन लोगों को तो हम जाते हैं, हमारा रास्ता है आना जाना है, लोगों का हालात देखते हैं हम समझ, उस हिसाब से जो है से 13 नंबर वार्ड में या 12 नंबर वार्ड में घर द्वार जो मैं देखने को मिल रहा है, अभी बहुत सारे जो ऐसे हैं कि जिनको ज़रूरत है रहने के लिए नहीं है, सर के ऊपर जो है से प्लास्टिक वगैरह हो टान के चाहे जिस तरीके से हो समय गुजार रहे हैं। आप जो कह रहे हैं जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिला, और तो क्या जिनको मिला है या जिनको मिलना चाहिए उनसे लेन देन की भी बातें होती है आपके पंचायत में? सर हमारे पंचायत में तो ये सिस्टम है सर के इतना इसमें दिया जाता है, इतना ये सिस्टम है सर, ये सिस्टम बना हुआ है, ये कह रहे आप सिस्टम बना हुआ है। प्रयास है कि जनता से ये हमारा उम्मीद है कि ऐसे लोगों को जो है इस पंचायत में बैठाएं कि जो हमारी सुने और हमारे तक पहुंच सके, घर आके हमको देख सके, ये जनता से हमारा बहुत बहुत बड़ा प्रयास है, उनसे आवेदन है कि इस चीज़ को देख के सोच समझ के अपने वोट का मतदान करें और जन उस आदमी को विजय बनाएं कि जो आदमी आपकी सुने आपके पास आ सके, आपकी हमदर्दी। ऐसा नहीं है, हम इस गांव के बेटा हैं और बेटा बन के आप लोग के सामने में खड़े हो रहे हैं यही परेशानी को दूर करने के लिए, लोगों को बताते रहते हैं
इंशाल्लाह अल्लाह मालिक चाहेगा, लोगों के बीच में समझ में आएगा तो ये चीज़ को ज़रूर समझेंगे। अगर हमें उस मुकाम मिलेगा तो हम सोचेंगे कि ये सब गलत, ये सब जो होता है ये सब ऐसा ना हो पंचायत में।